सेटिंग चेंज झाली आहे. ती सेटिंग मध्ये हे 100 केलं आहे, 5 करतो सध्या. 5 लोकांना पाठवायचं. नाही 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 5 सेकंदाचा डिले राहील, म्हणजे मध्ये आता 50 सेकंदान 49 मेसेज नंतर तो घेतो ना, तेवढा पाठवायला वेळ लागेल. ब्लॉक होऊन जाईल नाही तर. नाही नाही होत, माझं हे पर्सनल वाला आहे ना, पर्सनल वरून पाठवतो. पर्सनल वरून मेसेज नाही पाठवत ना. हॅलो हॅलो, आय थिंक आय एम ऑनलाईन. हम लोग अपना सेशन राइट 6 बजे शुरू करेंगे. मीन वाइल अगर आपके कुछ क्वेरीज भी रहेंगे तो हम लोग वो क्वेरीज भी आपके आंसर करेंगे आफ्टर सेशंस. मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को कुछ क्वेरीज रहेंगे रिगार्डिंग आफ्टर कोरोना, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या होगा, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा बूम आएगा, किस फील्ड में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी. तो ऐसे काफी सारी क्वेरीज आई थिंक रहेंगी बहुत सारे लोगों की, तो मुझे लगता है कि वो सभी क्वेरीज को आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं. एंड पिछले कुछ एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ शेयर करेंगे कि हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, देन लॉकडाउन होने के बाद भी किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट की और उस अपॉर्चुनिटीज को हमने कैसे कन्वर्ट किया. और इस सेशन में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ लगता है ऐसे कि कम हो गई है, या हम लोग एक स्ट्रीम लाइन पर जाते हैं, एक सेक्शन में जाते हैं, एंड देन हम लोगों को लगता है कि कहीं हम लोग पीछे तो नहीं रह गए हैं. तो ये सभी कुछ क्वेरीज रहेंगे आप लोगों की, वो क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. इसके अलावा भी शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लोग हो, किसी कुछ लोगों ने मेरे सेशंस पहले अटेंड किए हो, या ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सेशंस अटेंड नहीं किए हो. तो इन सबके लिए एक रिक्वेस्ट ऐसा रहेगा कि आप लोग जितनी भी आपकी क्वेरीज रहे, आपको इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी. एंड हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो भी फोकस हो वो फिलहाल के लिए ड्यूरिंग 2020 हमारा होना चाहिए, कि हमारे पास
मनी कैसे आए या अर्निंग हमारा कैसे स्टार्ट हो। तो पिछले कई सालों से हमने लर्न एंड अर्न इनिशिएटिव शुरू किया था, एंड उसके अलॉन्ग हमने अभी तक करीबन करीबन काफ़ी सारे लोगों को हमने रोजगार दिए, और हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को पढ़ाया, एंड देन उसके बाद में उन्होंने अर्निंग भी स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो आई थिंक कुछ 5 मिनट हम लोगों को बाकी है। आई थिंक हम लोग शुरू कर सकते हैं, बट उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा रीसेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में। जब हमने डिजिटल मार्केटिंग ये फील्ड एक्सप्लोर किया पिछले 2 साल से, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी सारी नई जानकारी पता चली। मेरा खुद का बिजनेस जिस माध्यम से बढ़ा, उसी माध्यम को मैं अपने क्लाइंट के पास पहुंचा था। और अभी के कंडीशन में हमारे पास हम लोग करीब 15 लोगों को इमीडिएट रख सकते हैं। इतना सारा काम है, वेबसाइट्स के लिए हो या बाकी चीज़ों के लिए हो, हम लोग इमीडिएटली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इतना अपॉर्चुनिटीज अभी ये रीसेंट सेक्टर में हम लोगों को मिलने वाले हैं। देन स्टार्ट दिस सेशन की कितने लोगों को पैसे कमाना है। तो आई थिंक दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं होंगे कि जिनको पैसे नहीं कमाना हो। तो शायद शायद ही ऐसा कोई होगा कि जिसको पैसे नहीं कमाना हो। और हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद हमारे पैसे जाते हैं। हम कहीं जाते हैं, कुछ पे करना चाहते हैं, तो भीम ऐप के जरिए या पेटीएम के जरिए या फोन पे के जरिए हमेशा पैसे पे करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि किसी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हम लोग अभी पैसे कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, उसका एक रीजन या उसका एक वे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसको हम लोग सीख के इमीडिएट पैसे बना सकते हैं। नाउ मैं जिस सेक्टर में बिलोंग करता हूँ उसको मैं डिजिटल वर्ल्ड बोलता हूँ, उसको हम लोग इमेजिनेशन बोलते हैं। हम लोग उसको काफ़ी मतलब 3D एनिमेशन फील्ड के साथ मैं बिलोंग करता हूँ। तो 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, उसके बाद में गेमिंग, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, ये फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। 2005 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और करीब अभी 15 साल हो गए। इसमें मैंने करीबन 2200 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जो आप जितने भी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, इन फिल्म्स में मेरे स्टूडेंट्स ने काम किया है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो लॉयन किंग एक फिल्म आई थी, एवेंजर्स आई थी, स्पाइडरमैन आई थी, ये सभी फिल्म्स में मेरे स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग में हैं, उन्होंने खुद के स्टूडियोज डाले हुए हैं। ऐसे काफ़ी सारे अलग-अलग उन्होंने वेंचर्स भी खुद के शुरू किए हैं। जनरली ये रेशो 60% होता है, बट हमारे मामले में वो करीबन 80-85% है। पिछले साल भी हमारे पास करीब 25 स्टूडेंट्स थे जिनको हमने जॉब पे भी लगाया, एंड देन वो अभी अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि आगे क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा यूएसपी था कि हमने मेट्रो, नागपुर मेट्रो का काम किया। जिस टाइम मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो उसी टाइम पे मेट्रो हमारे नागपुर में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मेट्रो के काफ़ी सारे 3D वीडियोस या उनके लाइव डॉक्यूमेंट्रीज हो या फिर उनकी कोई भी फिल्म हो, उनके डिजाइन्स हो, उसका काम हमने किया। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नागपुर में आते हैं और 0 माइल पे जाते हैं, तो 0 माइल पे जो मॉडल रखा हुआ है ट्रेन का, वो कॉन्सेप्ट टू फाइनल हमारे कंपनी ने किया हुआ है। उसके पहले अभी आपको जो मेट्रो दौड़ते हुए दिखती है, उसका फ्रंट डिजाइन, उसके अंदर बजने वाली अनाउंसमेंट्स या ऐसी काफी सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं। मुंबई मेट्रो इसके साथ, नागपुर मेट्रो के साथ अभी हम लोग मुंबई मेट्रो और बाकी की चीजें। मीन वाइल में जब ये बात कर रहा हूँ तो आप अपनी स्क्रीन के क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भले ही आपने मेट्रो भवन, जो कि अम्बेडकर कॉलेज के अपोजिट में, दीक्षा भूमि के अपोजिट में है, उस एंट्रेंस में विजिट, उस मेट्रो भवन में आपने विजिट नहीं किया हो, पर लेकिन आपने ये क्यूआर कोड अगर स्कैन कर दिया तो आप उस मेट्रो भवन को डायरेक्टली देख सकते हैं।
तो इस तरीके के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम लोग करते। तो ये वर्चुअल वॉक थ्रू हमने बनाया था मेट्रो भवन के लिए और वो काफी हिट भी हुआ। इसकी वजह से काफी सारे न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा इंटरव्यू वगैरह भी लिया था। सो नाउ व्हाट की नेक्स्ट क्या? तो मैं हमेशा किसी को भी पूछता हूँ कि पैसे कमाने हैं या उसका कुछ आपके पास पैमाना है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इट शुड बी मेजरेबल, मतलब कितने पैसे कमाना है। तो हमेशा उसका मेजरमेंट हम लोग ले सकते कि भाई डॉलर में पैसे कमाओ। तो मेरा फर्स्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट था आफ्टर मेट्रो, जिसमें हमने करीबन 3,000 वीडियोस बनाए, जिसमें हम लोग ई लर्निंग के वीडियोस बनाए, वो पूरे हमने यूएस का एक कंपनी है श्मूप ऑनलाइन वर्सिटी करके, उनके हमने वो वीडियोस बनाए और माइंड ब्लोइंग हमारा वो एक्सपीरियंस था। रिसेंटली हमारा उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। सो आप देख सकते हैं कि हमेशा पैसे इस तरीके से कमाने चाहिए, ये मेरा एक हमेशा से कहना रहता है किसी के लिए भी। तो आपका जो एजुकेशन है, आपका जो मोटो है, वो हमेशा किसी ना किसी गोल के साथ लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका गोल फिक्स है, जिसमें आप बोलते हैं कि हम लोगों को पैसे कमाने हैं, तो उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए कि कितने पैसे कमाने, कितने साल में कमाने। तो आपका जो गोल सेटिंग अगर हो गया, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आप प्रोग्रेस ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इट्स करियर इन डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया में क्या क्या करियर हो सकते, तो ये उसका एक सेशन हम लोग आज यहाँ पे ले रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया मतलब क्या? तो आप जो भी सुबह उठ के मोबाइल, टीवी यहाँ से देखते हैं और रात को सोने तक आप जो भी चीजें करते हैं, उसमें डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व है। सो रिसेंटली कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कोरोना के बारे में हमको पता चला, तो कोरोना के बारे में हमको पता चलने के बाद हमने उसके बारे में जानकारी ढूंढना शुरू किया। तो उसकी जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिली? सबसे पहला मीडियम था हमारे घर में आने वाला न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर में अगर हमने आपको देखा, तो न्यूज़पेपर में अगर हम लोग देखते, तो न्यूज़पेपर के स्क्रीन में जो डिजाइन होता है, वो डिजाइन से लेके बाकी सब चीजें हम लोग डिजिटल माध्यम से बनाते हैं। देन नेक्स्ट आता था कि हम लोग टीवी देखते थे, उसके बाद में हम लोग मोबाइल में जाते थे, वेबसाइट्स देखते थे, फेसबुक जाते थे, यूट्यूब जाते थे। ये सब मीडियम जो है, ये मीडियम टिकटॉक जिसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है, तो ऐसे काफी सारे मीडियम है जिससे हम लोग डिजिटली लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो लोकल जो है वो ग्लोबल बन चुका है और ग्लोबल जो है वो लोकल बन चुका है। 2010 में जब मैंने नागपुर में आया, तब इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने फोकस करके नागपुर में आया और मुंबई से, एंड देन सोचा था कि खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करूंगा अगले 5 साल में, जो कि मेरा गोल सेट था। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वहां जाके क्या करेंगे, इंडस्ट्री मुंबई में। नाउ हम लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपका विजन जो है वो हमेशा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में होना चाहिए। हम लोग किस तरीके से किसी भी सेक्शन में किसी भी जगह बैठ के काम कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम आईटी कंपनीज ने अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है 2021 मार्च तक। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग ध्यान में रख के खुद को अपग्रेड करते हैं, तो उसका हमारे करियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो हम लोग अभी लॉकडाउन के वक्त भी हमने काफी सारा अपग्रेडेशन किया, काफी सारी नई चीजों के ऊपर फोकस किया। तो हम लोगों को पता चला कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, हमने वो सभी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके काम करना शुरू किया है और अभी हमारे पास काफी सारा काम है। इतना काम है कि हमारे पास फिलहाल के लिए काम करने के लिए लोग नहीं है। तो आप इससे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मीडियम बढ़ रहा है। आपके आजू बाजू में आपने देखा होगा काफी सारा डिजिटल मीडियम आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो हमारे लाइफ में एक पॉज लेना पड़ता है। तो पॉज मतलब क्या? हम लोग देखे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसके बीच में ये पॉज है। 10th और 12th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अभी के कंडीशन में उनके क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं या बहुत सारे क्लासेस के बारे में उनको सोचना है या कुछ करना है, तो उनके पास ये टाइम है। ग्रेजुएशन के बच्चे जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर परस्यू कर रहे हैं या फाइनल ईयर में जिनका एग्जाम बाकी है, उनके पास ये जो टाइम पड़ा है मार्च 23rd से लेके
अभी तक, मतलब अगस्त तक, तो अगर हम लोग देखें पिछले 4 से 5 महीने में हमने क्या किया, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि आगे कुछ खुल जाएगा, आगे खुल जाएगा, आगे ये होगा। इस अनसर्टेनिटी में जीने की वजह से हम लोगों के पास काफी सारी चीजें लैग हो गई। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें इमीडिएट पढ़ सकते हैं, अभी भी हमारे पास वो टाइम है, क्योंकि आई थिंक ये जो लॉकडाउन पीरियड है और 1-2 महीने बढ़ सकता है, तो उसकी राह न देखते हुए अगर हम लोग कुछ नई चीजों को सीख पाए तो वो मुझे लगता है आपको जाके आके बहुत इसका फायदा हो सकता है। तो लेट्स सी कि डिजविस प्रोडक्शन जब 2014 में स्टार्ट हुआ, 15 में स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं और हमने क्या क्या प्रोजेक्ट किए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अभी इस वीडियो क्लिप के द्वारा दिखा रहा हूं। तो ये हमारा कॉर्पोरेट शोरील है जिसमें हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको इलेबरेट करता हूँ। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस फील्ड में क्या है, इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट था कि क्या-क्या होता है इस फील्ड में। तो एनिमेशन फील्ड में बेसिकली 4 अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक डिजाइन एंड गेमिंग। उसके अलावा ग्राफिक्स में भी फिर अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं। इसी डिजिटल मीडियम में अगर हम लोग आगे जाते तो वेबसाइट डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक सेक्शन है। ये सभी सेक्शन अभी के कंडीशन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो नए बच्चों के लिए जिनको 12th के बाद अगर गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स या ऐसी फील्ड में खुद को एक्सप्लोर करवाना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली उन्होंने इनिशियली स्टार्ट कर सकते वो ग्राफिक डिजाइन से, एंड ग्राफिक डिजाइन से वो मोशन ग्राफिक्स, देन 3D एंड देन विजुअल इफेक्ट्स, ऐसे अलग-अलग सेक्शंस में जा सकते हैं। तो एक शोरियल मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें सिम्बा नाम की फिल्म थी, उस फिल्म में कैसा काम हुआ इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सो एक ये फिल्म थी, इस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को पता है कि सिम्बा का जो बेस था वो गोवा था। अगर गोवा में ये फिल्म शूट हो रही है तो हम लोगों को लगा कि शायद गोवा में ये सब कुछ शूट हुआ रहेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक फिल्म सिटी में ये शॉट हुआ है। जहां जहां पे ब्लू स्क्रीन है उसको रिप्लेस किया हुआ है, एंड लोगों को भी डुप्लीकेट किया है, कहीं पे घर बनाए गए हैं। ये सभी चीजें एनिमेशन से पॉसिबल है, इसको हम लोग विजुअल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे ये एक शॉट था, इसमें सिम्बा ही नहीं था, सिम्बा को बाद में डाला हुआ है, पानी बाद में डाला हुआ है, ये पूरा का पूरा सिटी बाद में डेवलप किया है, पेड़ बाद में डाले हुए हैं, तो ऐसी काफी सारी, ये चर्च बाद में डाला हुआ है, ये काफी फेमस चर्च है गोवा का। तो आप देखेंगे कि ये इसमें प्रोडक्शन कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है, इसीलिए ऑन लोकेशन शूटिंग जो है वो कम हो जाता है। इवन दो डे टू नाइट सीन हम लोग इधर ही बना सकते, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो कैरेक्टर को देखे या बाकी क्राउड को देखे, देखिए क्राउड कम था, क्राउड को बाद में डाला हुआ है, ये गाड़ियां एनिमेटेड डाली हुई है, तो ऐसी काफी सारी चीजें एनिमेटेड डाली हुई है। जैसे ये गोवा का फेमस जो चर्च था उसको रिक्रिएट किया है, यहाँ पे 3D से डाला हुआ है। तो इसी फील्ड में मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ये 3D बनाया हुआ है। ये सेट है जिसमें देखो पूरा का पूरा समुंदर बाद में डाला हुआ है। तो अभी के कंडीशन में कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है किसी भी शूटिंग के लिए, ये पूरा का पूरा शूट एक सेट में मुंबई के फिल्म स्टूडियो में बनाया जाता है। एंड देन अगेन आप सोच सकते कि अगर सभी फिल्मों में ये काम होता है तो इसमें
रोजगार की मात्रा कितनी बढ़ जाती है, हमारा जॉब एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ जाता है। तो हम लोग भी फोकस करते कि ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज को ही फोकस करके उसी कोर्सेज को चलाए ताकि बच्चों को इमीडिएट आफ्टर उनके कोर्सेज जॉब लग सके। तो पूरा का पूरा गोवा सिटी अगर हम लोग मुंबई के एक स्टूडियो में बना सकते तो आई डोंट थिंक कि अभी किसी भी तरह के लोकेशन पे जाके शूट करने की जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी कि यहाँ पे क्राउड को रेप्लीकेट किया है, इवन वो चर्च वगैरह सभी चीजों को बाद में बनाया हुआ है। तो ऐसे काफी सारे छोटी छोटी चीजें हम लोग डिजिटल मीडियम में करते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल है ये सिम्बा फिल्म, जिसके विजुअल इफेक्ट्स ब्रेकडाउन में आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते कि कितना डिटेल में काम होता है, और इसीलिए आजकल आप ओवर द टॉप टेलीविजन, मतलब जिसमें अमेजोन प्राइम हो, उसमें जो टीवी सीरीज आ रही है वो टीवी सीरीज आपको दिखाई देती है कि बहुत जल्दी जल्दी बन रही है, क्योंकि उसके ये जो सेशंस है, उसके जो शूट्स है, वो एक स्टूडियो में हो रहे हैं। तो बाकी का जो चीजें है वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखो आप कितना इजी हो गया किसी भी तरीके से शूट करना। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल, जिसमें हम लोग इस तरीके के अटेम्प्ट करते हैं या इस तरीके के विजुअल इफेक्ट शॉट्स करते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें ये सूर्यवंशी जो नेक्स्ट फिल्म आने वाली है रोहित शेट्टी की, ये उसके बारे में बताया गया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी काइट, एक काइट नाम की शॉर्ट फिल्म बनाई मेरे एक दोस्त ने, सागर फुंडे, जो कि नागपुर का ही है। एंड सागर फुंडे बहुत ही जबरदस्त एनिमेटर है, आई थिंक इंडिया के टॉप एनिमेटर्स में से एक है। एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, अभी वो सिंगापुर से आया। तो उसने एक फिल्म बनाई थी काइट नाम की। इस काइट नाम की फिल्म में बहुत सारे नागपुर के उसने सीन्स रिक्रिएट किए, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो रिक्रिएट किए। इसको काफी सारे अवार्ड्स मिले, काफी सारे अवार्ड्स में इसको बहुत सारे ये मिले, अवार्ड शोज में भी या फिल्म्स फेस्टिवल्स में भी इसको काफी सारा एप्रिसिएशन मिला है। तो इस फिल्म के ट्रेलर में आपको दिखाना चाहता हूँ। इस फिल्म की अगर आप काइट सर्च करेंगे सागर फुंडे के नाम से तो यूट्यूब पे आपको इसके फिल्म मिल जाएगी। इसका एक ट्रेलर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। पहले हमने विजुअल इफेक्ट्स देखा और अभी हम लोग 3D की एक फिल्म देख रहे हैं। सो लेट्स सी दिस फिल्म। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है, इसमें जो सिटी डेवलप की है, इसी में बाकी की चीजें जो डेवलप की है वो बहुत ही पिन पॉइंट है। सो इस फिल्म को आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, काइट नाम की फिल्म है। अनुया, अनुया, सो इस फिल्म को आप जरूर देखिए। उस फिल्म में आपको बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चलेगा और नागपुर का या फिर हमारे हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज हम लोगों को रिमाइंड हो जाएंगी इस फिल्म को देखने के बाद। तो लेट्स सी दिस फिल्म को हम लोग देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि ये फिल्म अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर को देख के आपको ये चाइल्डहुड मेमोरीज ये हो गई है। सो नाउ व्हाट इज डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया मतलब एक इल्यूजन ऑफ लाइफ है। ऑब्वियसली इसको हम लोग इल्यूजन ऑफ लाइफ बोलेंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट न होते हुए उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसका इसका फायदा भी है। ऑब्वियसली ये फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इससे क्या होता है, तो इससे हम लोग ज्यादा लोगों तक इमीडिएटली पहुंच सकते हैं। अभी के कंडीशन में मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो मैं काफी सारे लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि अलग अलग जगह बैठे हुए हैं।
या जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी लेनी है वो विद इन अ क्लिक हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशन है अभी के कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर अभी बिजनेस हो रहा है तो वो बिजनेस डिजिटल सेक्टर में हो रहा है, क्योंकि हर बंदे को, हर इंस्टीट्यूशन को, हर दुकान को अभी डिजिटलाइज होना है, क्योंकि उनको पता है कि सब लोग अभी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे ही नई चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसीलिए इस सेक्टर में अलोंग विथ योर ऑनगोइंग एजुकेशन, तुम्हारे ऑनगोइंग एजुकेशन के साथ अगर तुम इन सेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हो, तो शायद आपके एजुकेशन के साथ ही आप लोग अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हो। तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स है। सोशल मीडिया, मीडिया शेयरिंग नेटवर्क, डिस्कशन फोरम्स, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको मैं सोशल मीडिया बोलता हूँ। मैं सोशल मीडिया करीब पिछले 17 साल से यूज कर रहा हूँ, जब से ऑर्कुट था। एंड मुझे मैंने जब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू किया तो उसके जरिए मुझे काफी सारा बिजनेस भी मिला है। मुझे अभी कभी अभी तक मेरे बिजनेस के लिए मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे जो भी सब कुछ ये चीजें मिली है, ये सोशल मीडिया के वजह से मिली हुई है। इसके अलावा हमने जो कुछ काम किया है उस काम को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। तो एक एड है जो राइसो ब्रांड तेल की हमने बनाई थी। ये एड मुंबई के आईमैक्स स्टूडियो में भी प्ले हुई है, मैक्सिमम सेंट्रल इंडिया के सिनेमा हॉल्स में वगैरह ये एड दिखाया जा चुका है। तो मैं एड आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एड था। ये एड को बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे। और 3 दिन में ये कॉन्सेप्ट टू फाइनल एड हमने बनाया होता। इसके अलावा हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि जिनको अपने कुछ हॉबीज होती है, उन हम लोगों को पता है कि गणेश फेस्टिवल पास में आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ढोल ताशा पतक बजाना होता है। तो हमारे पास ऐसा ही एक ढोल ताशा पतक आया कि जिन्होंने हमको बोला कि सर हम लोगों को अपने लोगों को एनिमेट करना है, तो हमने उनके लिए एक लोगो एनिमेशन करके दिया था। ये वो लोगो एनिमेशन है। इट लुक्स लाइक 3D, और 3D और 2D दोनों मिलके बनाया हुआ है। इसके अलावा हम लोग एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं कंपनीज के लिए। तो ऐसा एक एक्सप्लेनर वीडियो हम लोग बनाया हुआ है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से आपके ब्रांड को या किसी भी ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए इस तरीके के एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं और आपके बिजनेस या किसी भी तरीके के बिजनेस को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे प्रमोट किया जाता है। इन रियल टाइम विद योर अबोकीज, हुज एन अबोकी, योर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग ऐसे इमेजेस बनाते हैं। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ये वीडियोस मोशन ग्राफिक्स हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें ग्राफिक्स जो है, जिसमें इमेजेस आपको देखते हैं, वो हम लोग ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स में बनाते हैं। और जो इनको एनिमेट करने के लिए हम लोग मोशन ग्राफिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें लोगो एनिमेशन हो गया या एडिटिंग पार्ट हो गया, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये एक्सप्लेनर वीडियोस क्या करता है, किसी भी बिजनेस को इमीडिएटली लोगों तक पहुंचाता है, जिसमें उसको हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। On college placements, cultural activities, the cafe menu, sports selections, the best student deals, and so, so much more. A smarter, more connected, cooler campus is just a click away with Campus Time. Let's make your campus truly yours. So, इस तरीके से भी वीडियोस हम लोग बनाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था कि जिसमें हम लोगों ने 3D का प्रोजेक्ट था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम था, हमने ना महाराष्ट्र का सबसे पहला प्रधानमंत्री आवास योजना का 3D वॉक थ्रू और उसका लाइव डॉक्यूमेंट्री, ये दोनों चीजें हमने बनाई थी। तो वो वीडियोस हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाले, और उसमें डालने के बाद रिसेंटली एक 3 से 4 महीने पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया। उस प्रोजेक्ट का ये भी मीडियम भी वही था कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोअर इनकम ग्रुप थे उनको, उनके लिए घर बना रहे। तो ये घर का पूरा इन इन चीजों का डॉक्यूमेंट्री हमने बनाया। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्री शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है, यशोधन विहार नाम की स्कीम है आवारपुर के पास, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है वहां पे आवारपुर, वहां पे नांदा नाम का एक गांव है, वो गांव में ये सिटी बन रहा है। 1,050 घर है जिसमें अलग अलग एमिनिटीज वगैरह दी जाएंगी, तो इसका पूरा कंप्लीट 3D वॉक थ्रू ये सब हमने बनाया हुआ है। सो विजुअल ट्रीट होता है, विजुअल इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी सारे नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर मैं एनिमेशन सेक्टर की बात करूंगा तो करीबन 43 अलग अलग करियर ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे या जिसमें जा सकते हैं। उसके अलावा फिर ये डिजिटल वर्ल्ड जब आया तो डिजिटल मार्केटिंग एक अलग फील्ड है जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसमें लोग गूगल के लिए करते तो डिजिटल वर्ल्ड में आता है, सोशल मीडिया के लिए करते तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। उसके अलावा वेब डिजाइन है, वेब डिजाइन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। फिर डेवलपमेंट अलग है, SEO है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमारी वेबसाइट हमेशा ऊपर दिखनी चाहिए, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। देन ये कुछ चीजें हैं जैसे उनके एमिनिटीज वगैरह थी वो हमने यहाँ पे शो की है। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड में हमारा जो प्रेजेंस है उस प्रेजेंस की वजह से आते हैं रेगुलरली। सो हमारे पास वो एस्थेटिक नहीं भी होगा तो हम लोग वो डेवलप कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरा खुद का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद एक BSc कंप्यूटर साइंस फील्ड का स्टूडेंट था, एंड देन मुझे लगा कि नहीं मैं इस फील्ड में अगर मैं जाना चाहता हूं तो मुझे अलग-अलग चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए क्रिएटिव फील्ड को चॉइस किया, मेरे पास ऑप्शंस थे अलग-अलग, लेकिन मैंने अपने पैशन को, मेरे क्रिएटिविटी को ज्यादा तवज्जो दिया और अभी मैं इसी फील्ड में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि डूइंग वॉट आई लव एवरी डे इज द मोस्ट रिवार्डिंग थिंग आई कैन थिंक ऑफ, दैट इंक्लूड्स एनिमेटिंग ड्रॉइंग्स एंड क्रिएटिंग फन एंड एंजॉयबल एंटरटेनमेंट। आप देख सकते कि हमेशा हमारे रणछोड़ दास ने बोला है हमेशा, या तारे जमीन पर आमिर खान ने बोला है कि आप जिसको लाइक करते हो उस फील्ड में अगर करियर करोगे तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पैशन ही आपको ड्राइव करता है। तो ऐसा ही कभी आमिर खान के साथ मिलने का मौका आया था 2008 में, जब वो तारे जमीन पर का प्रमोशन कर रहे थे। सो उस टाइम पे मैं एक वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर करके गया था, तो दैट टाइम उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो ये चीजें हमने वहां पे भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी मेरे पास आए जब मैं मुंबई में था। एंड देन नाउ मेरा जर्नी एक फैकल्टी से चालू हुआ, एक टीचर से चालू हुआ, और नाउ मैं 2 कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। सो ये जर्नी जो है, इस जर्नी में मैंने बहुत सारे चीजों को एक्सप्लोर किया और वो एक्सप्लोर की हुई चीजों को मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्रिएटिव इंडस्ट्री क्या है, ये मीडिया इंडस्ट्री, डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री क्या है? तो इसका 2009 में, करीब 2009 में 18 बिलियन डॉलर का कुछ रेवेन्यू था। अभी के कंडीशन में 2020 तक ये 2 लाख 270 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। तो ऑब्वियसली ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो गए या बाकी के चीजें हो गए, इनके लिए अभी तक रिक्वायरमेंट है, हर सिटी में रिक्वायरमेंट है, और अच्छे एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब पढ़ने जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, तो अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छे से फायदा हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि मेरे पास काफी सारे क्लाइंट आते हैं जिनको वेबसाइट बनाना होता है, लेकिन मैं वो क्लाइंट को उसी तरीके से गाइड करता हूँ कि आपको वेबसाइट की जरूरत है नहीं है, इस तरीके से उनको फोकस करवाता हूँ। तो ताकि कभी एजुकेट अगर होके हम लोग किसी चीज में जाते हैं तो उसका ज्यादा फायदा ले सकते हैं। जैसे अगर ग्राफिक डिजाइन करते हैं तो ग्राफिक डिजाइन के लोकल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो आप देखिए किसी भी डिजिटल मार्केटर के पास, किसी भी वेबसाइट डिजाइनर के पास, किसी होल्डिंग वाले के पास, सभी जगह ग्राफिक डिजाइन की वैकेंसी होती है, उनको जरूरत होती है। या अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ काम करना चाहते हैं तो भी आपके पास ग्राफिक डिजाइन की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। किसी के लोगोस डिजाइन करना, जनरली एक लोगो डिजाइन के लिए 5 से 7 हज़ार रुपये इनिशियली लेते हैं, मतलब किसी नए क्लाइंट के पास से, लेकिन वही अगर आपने किसी प्रोफेशनल कंपनी के लिए किए तो वो 30,000 40,000 तक भी जाता है। इसी लोगों को एनिमेट करने के लिए हम लोग 15 से 20 हज़ार रुपये भी
चार्ज कर सकते हैं, जो हमने किसी जो हमने काफी सारे कंपनीज के लिए रेगुलरली किया हुआ है। उसके अलावा करंट सिनेरियो क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, तो कार्टून नेटवर्क हो गया, निकलोडियन हो गया, फॉक्स किड्स हो गया, फैमिली चैनल्स हो गए, ये सभी फील्ड में, या ओवर द टॉप टेलीविजन जिसको हम लोग अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, जी फाइव, ये सभी, इसमें कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो कंटेंट की जरूरत पड़ रही मतलब उनको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करना पड़े मतलब उनको इस फील्ड में एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कंपनी इसमें इन्वॉल्व होंगी, ज्यादा इंडियन कंटेंट क्रिएट होगा और वो एयर्ड होगा। जैसे हमने रिसेंटली लिटिल सिंघम और केमोनाचे नाम के एक एपिसोड्स के लिए काम किया, जिसमें 9 एपिसोड्स मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। देन यूट्यूब और व्हाट्सएप पे क्लिप बनाना, इंटरएक्टिव एड्स बनाना, इसके लिए भी बहुत बड़ा ऑडियंस अवेलेबल है। अब हम लोगों को पता है कि इंडिया में बॉलीवुड, टॉलीवुड, देन भोजपुरी फिल्म्स या टेलीविजन, काफी सारे चैनल्स होते हैं, 1000 के करीब चैनल्स हैं। इन चैनल्स को रेगुलरली कॉन्टेंट की जरूरत पड़ती है। वो कॉन्टेंट कहाँ से आएगा, तो वो कॉन्टेंट इसी सेक्शन से आएगा, मीडिया सेक्शन से ही आएगा। मैं इसमें, हम लोग इंडिया इसीलिए भी ज्यादा ग्रो हो रहा है इसमें, क्योंकि क्रिएटिव मैन पावर और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन है, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ रहा है, और हम लोगों के पास वर्ल्ड देख रहा है कि एक सोशल मीडिया और क्रिएटिव हब के तौर पे देख रहा है। तो क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्या क्या है, सोशल मीडिया, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कस्टम कंटेंट डेवलपमेंट। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेशन में क्या क्या होता है। तो एनिमेशन एज एंटरटेनमेंट में हम लोग मूवीज देखते हैं, जो हमने रिसेंटली देखी है, कुछ फिल्म्स देखी होगी, टॉय स्टोरी देखी होगी या फिर फाइंडिंग नीमो देखी होगी। टीवी ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि लिटिल सिंघम हो गया, डोरेमोन हो गया, या शक्तिमान हो गया, तो ये जो पूरा ब्रॉडकास्टिंग सेक्शन में आता है। टीवी एडवर्टाइजमेंट, आप कोई भी एड को पकड़ के चलिए, किटकैट की एड है या ऐसी कोई भी एड है जिसमें कैरेक्टर्स, 3D एनिमेशन कैरेक्टर्स हैं, या डायरेक्ट टू डीवीडी, जहाँ पे वीडियोस फॉर्मेट में या डीवीडी फॉर्मेट में आपके वीडियोस मिलते हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विजुअल इफेक्ट्स में मूवीज में यूज होता है। आपने अगर एवेंजर्स फिल्म देखी होगी, लॉयन किंग देखी होगी, ये फिल्म्स में VFX एक्सटेंसिवली यूज हुआ है। हमने अभी सिम्बा फिल्म दिखाई, उसमें भी दिखाया कि विजुअल इफेक्ट्स का कैसे यूज किया है। तो 3D और लाइव, हम लोग यहाँ बैठे हैं एंड हम लोगों को किसी 3D एनवायरनमेंट में या अनरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में डालना है, तो हम लोग विजुअल इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। सो VFX इन ब्रॉडकास्ट, जैसा हमने बताया कि काफी सारी फिल्मों में यूज होता है, और अभी आजकल टेलीविजन सीरीज है, जैसे एक फिल्म एक आई थी, महादेव नाम की फिल्म टेलीविजन सीरीज आई थी, जिसमें जो काफी हिट हुई थी, क्योंकि उसमें जो कॉन्टेंट था उसमें वो ग्रीन क्रोमा शूट करके बैकग्राउंड, मैं आपको कुछ आगे जाके मेकिंग्स भी उसके दिखाऊंगा। देन टीवीसी टेलीविजन जो कमर्शियल एड्स होते हैं टीवीसीज, उसमें विजुअल इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल। कभी किसी कैरेक्टर को फटाक से बदल के किसी और कैरेक्टर में चेंज होते हुए दिखाना भी एक विजुअल इफेक्ट्स का ही पार्ट है। देन कस्टम कंटेंट डेवलपमेंट, अभी के कंडीशन में सबसे ज्यादा बूमिंग जो चीज है वो है कस्टम कंटेंट डेवलपमेंट। अगर आप इसमें देखें तो ई लर्निंग सेक्टर सबसे ज्यादा बूम हो रहा है, हर जगह ई लर्निंग की रिक्वायरमेंट हो रही। हमने खुद ने करीबन, मैंने बताया, 2500 से 3000 वीडियोस तो ऐसे ही हमने ई लर्निंग के बनाए हैं। मैं आगे जाके उसके एग्जांपल्स भी आपके सामने पुट अप करूंगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरे ई लर्निंग पे ही चल रहे हैं, रियल टाइम ट्रेनिंग। अभी जैसे राफेल आ गया, राफेल को चलाना है तो उसको डायरेक्टली नहीं चलाते, उसको एक सिमुलेशन में बना के रियल टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से चलाना है, कौन से बटन्स दबाना है, या किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। कॉर्पोरेट फिल्म्स एंड डिजाइन्स एंड वॉक थ्रू, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, मैंने एक वॉक थ्रू बनाया, हमने मेट्रो भवन का वॉक थ्रू दिखाया, मैं कुछ लिंक्स आपको यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। गेमिंग, अभी ऐसे कोई बहुत ही चंद लोग होंगे कि जो गेम्स नहीं खेलते। अभी इन गेम को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है कि डिजाइन और दूसरा होता है डेवलपमेंट। तो डिजाइन जो पार्ट होता है, जिसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, डायनामिक्स एंड उसको गेम इंजन के साथ कनेक्ट करना, ये सब चीजें आती है क्रिएटिव इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग डिजिटल मीडियम ही बोलते हैं। देन करियर ऑप्शंस क्या है, तो फिल्म, कार्टून्स, एजुकेशन, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, OTT, गेमिंग, प्रिंट मीडिया, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग,
डिजाइन, आर्किटेक्चुरल डिजाइन, ढेरों करियर ऑप्शन है। आप अगर एमबीए सेक्टर में जाते तो जैसे मार्केटिंग, एचआर और ऐसे अलग अलग फील्ड है, वैसे ही डिजिटल मीडियम में इतने सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस है। सो क्वालिफिकेशन क्या है, ये स्किल्स क्या चाहिए, अर्निंग मनी, तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये स्किल्स को हम लोग अब अपने अंदर डाल दे तो शायद हम लोग इमीडिएट मनी अर्न करना शुरू कर सकते। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बात करते करते काफी सारी चीजें आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, आपके लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग लोगों के साथ बात करते, कम्युनिकेट करते, तो लोग हमारी भाषाओं को, हमारी बातों को समझते हैं और इसी माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जब भी हम लोगों को पैसे कमाना है तो हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो भगवान ने हम लोगों को दी है, कम्युनिकेशन स्किल, ये हम लोगों को मास्टर करना जरूरी है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल। आपको लोगों के बारे में पता करके उनके साथ कैसे बात करना है, उनके साथ उनकी मनस्थिति को समझ के, उनके माइंडसेट को समझ के हम लोग उनको कैसे कन्विंस कर सकते, ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। ये सोशल मीडिया और ये डिजिटल मीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ एड्स आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट किए हैं और आपको आइडिया आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। जैसे एक मल्टीटास्किंग ऑप्शन है कि अगर मैं सिर्फ एक ही सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो शायद किसी कंपनी के लिए उतना यूजफुल ना रहूँ, लेकिन अगर मैं अपने ऑनगोइंग स्टडी के साथ, मुझे बीकॉम, मैंने कॉमर्स किया है, मैंने कंप्यूटर साइंस किया है और मुझे वेबसाइट डिजाइन करना आता है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना आता है, मुझे ग्राफिक डिजाइन करना आता है, मुझे वीडियो एडिट करना आता है, मुझे फिल्म बनाना आता है, मुझे 3D बनाना आता है, मुझे विजुअल इफेक्ट्स या फिर लोगो एनिमेट करना आता है, तो अगर ये मल्टीपल स्किल अगर मेरे साथ हो तो मेरा ग्रोथ रैपिड होता है। आजकल अगर हम लोग देखें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD एंड नेट सेट या इंजीनियरिंग करने के बाद भी इमीडिएट जॉब नहीं मिलती है। तो अगर किसी को करियर करके भी नहीं अगर इस फील्ड को एक्सप्लोर करना है, पर अगर उसको लगता है कि नहीं मैं इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहता हूं और मुझे पार्ट टाइम भी करना है, तो ये इसके जैसी फील्ड फिलहाल के कंडीशन में कोई और नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम में हम लोग स्किल्स सीख के अर्निंग इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं। देन रीडिंग हैबिट होनी चाहिए रेगुलर। हम लोग अगर रीड करते हैं तो हम लोगों को कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत इजी जाता है, और अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, आप बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो उसका आपके आपके नॉलेज में इंक्रीज होगा और आप लोग कंटेंट अच्छे से बना सकते हैं। देन फाइनली ह्यूमर। अगर आपके कंटेंट में अगर ह्यूमर है, अगर आपके कंटेंट में या आपके मूवीज में इसमें ह्यूमर है, थोड़ा सा हंसी है, तो आपके आपको कौन सी कमर्शियल एड्स सबसे ज्यादा पसंद है, तो वही एड्स पसंद है जिसमें ह्यूमर है। तो आपने ऐसी कोई भी रिसेंटली एड देखी होंगी जिसमें ह्यूमर है, तो आपको आइडिया आ जाएंगे कि वो बहुत ज्यादा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, तो बिजनेस भी अगर करना है या डिजिटल मीडियम में अगर जाना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, तो टाइम है, इंटरेस्ट टू अर्न मनी है, पैशन होना चाहिए, एंड फाइनली स्मार्टफोन या लैपटॉप या ऐसी चीजें आपके साथ होनी चाहिए, और ऑब्वियसली आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन या स्किल्स होनी चाहिए जो आपको आगे जाके सीखनी है, जिसमें ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D हो गया या विजुअल इफेक्ट्स, ऐसी फील्ड में आपको करना है। तो कोई भी कंटेंट या कोई भी चीज, फिल्म बनती है या कोई कॉन्सेप्ट बनता है, तो इन सब के लिए ये एक पाइपलाइन की जरूरत होती है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में सबसे पहले मैप बनाते, नकाशा मंजूर होता है, फिर हम लोग सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते, सिविल कॉन्ट्रैक्टर उसको खोदता है, घर को पायवा बनाता है, कॉलम्स डालता है, दीवारें डालता है, स्लैब डालता है, प्लास्टरिंग करता है, देन हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, उसमें क्या कलर करते हैं, शोकेस बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, एंड देन फाइनली आउटपुट और पब्लिशिंग, मतलब हम लोग वास्तु करते, लोगों को बुलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर को देखें, हमारे आनंद में, हमारे प्लेजर में सब वो सहभागी हो सके। तो ऐसा ही प्रोडक्शन पाइपलाइन होता है जिसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, फिर स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, फिर हम लोग प्रोडक्शन में जाते हैं, प्रोडक्शन में मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, डायनामिक्स, ये एक 3D का प्रोसीजर है। लेकिन वही अगर रियल लाइफ में जाते हैं तो हम लोग शूट करते हैं, शूट करके मल्टीपल कैमरा से शूट करके एडिट करते हैं, एडिट करके उसको कंपोजिट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, देन उसको पब्लिश करते कोई भी प्लेटफॉर्म पे, या तो सिनेमा हॉल में या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे।
देन फाइनली अगर आप देखें तो क्रिएटिविटी क्या है, तो अगर मुझे इस इन इन इमेजेस को पकड़ के अगर एक एड बनाना है तो मैं कौन सी एड बना सकता हूँ? तो एक मेरे पास ऑप्शन है कि फुटबॉल का एड बनाऊँ, एक मेरे पास एड ऑप्शन है कि मैं मोबाइल का एड बनाऊँ, और एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मोबाइल का एड विथ 3D इफेक्ट कर सकता हूँ. सो दिस इज वन ऑफ द एड जिसमें रियल टाइम 3D एक्सपीरियंस हम लोग दे सकते हैं. देन एक और ऐड है जिसमें हम लोग बोल सकते कि मुझे रेल की पटरी दिख रही है, छोटी बच्ची दिख रही है, यानी कैमरा दिख रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एंटर टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन या डिजिटलाइजेशन. कैनन का ऐड हो सकता है, कैनन जो कैमरा है उसका ऐड हो सकता है. देन कुछ ऐसे ही रैंडमाइज इमेजेस ले सकते हैं आप, जिसमें पानी है, जंग खाया हुआ एक पाइप है, एक एक्सटेंशन बोर्ड है, एक बल्ब है, एक कमल का फूल है, एंड देन तो कुछ इमेजेस है. इन इमेजेस को क्लब करके शायद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं क्या? तो कुछ कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया, एंड देन फाइनल आउटपुट इज दिस, ये आउटपुट है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इको फ्रेंडली बल्ब की एड बना सकते हैं. तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लेम किया जाता है. तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम करते तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसका भी हमारे पास एक अच्छा खासा नेटवर्क हो सकता है, या हम लोग उसके ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. देन कुछ और चीजें लाइक मैं कुछ चीजों को एक बार शेयर करके देखता हूँ, शायद कुछ कमेंट्स आए हैं वीडियोस पे, आई थिंक वो कमेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं. यस, काफी सारे लोगों के कमेंट आ गए हैं, तो आई थिंक कमेंट्स भी हम लोग देखते हैं. यस, सो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं. कुछ एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल वर्क हमने जो किए उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. तो ये द काम वर्ल्ड है, इज हमने चेंजिंग एंड माई एवरीथिंग टैलेंट इज नाम की चेंजिंग कंपनी फास्टर है देन जो एवर. कि थाउजेंड्स ऑफ यंग लोगों स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स आर कमिंग टू सी घर दिस प्रोवाइड कॉन्सेप्ट करती है, बाहर एक्सप्रेस जा आने वाले बच्चों इन को दिस घर हाईली प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव करती एंड है. डायनामिक एटमॉस्फेयर यू माइट मैनेज टू फाइंड गुड एजुकेशन और अ डीसेंट जॉब बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो लुकिंग फॉर अ सिंपल हाउस टू स्टे इन. You are denied home just because you are not married and do not have a family. Many house owners carry misconceptions about bachelors. We at My Tenant are here to solve your problems. Pre-screened tenant, tenant management, property verification, personalized home services, 24/7 dedicated support, flexible payment options, and a whole lot more. Our journey begins in Pune. से एक फिल्म बनाई और ये प्रमोशनल कैंपेन हमने बनाया था, और उसकी वजह से इनको काफ़ी सारा फायदा हुआ. उन्होंने काफ़ी सारी जगह उसको एक्सप्लेन भी किया है. तो ये एक ऐड था जो रेड बस के लिए किया था. टिकट आ गई सीधे आप उनके मोबाइल पर, हो गया इजी अपना टोटल सफर. पूरे सफर हुई बस की रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब पिकअप करने को भी कोई आप नहीं देख सकते कि कितना इजी हो गया. अगर एडवर्टाइजमेंट है आपके मोबाइल पे आ जाती है, आप मोबाइल पे देखते हैं, बुकिंग करते हैं, एंड देन ऑल इज वेल. ये एक हमने चैनल के लिए बनाया था जिसमें हमने ई लर्निंग कंटेंट बनाया था, 2D कोर 2D. तो ऐसे राइम्स हम लोग बनाए, अभी के कंडीशन में तो इनका बहुत ज्यादा बूम है, बहुत सारा ई लर्निंग का कंटेंट बन रहा है, रेगुलर बन रहा है और आगे बनने वाला है, क्योंकि फ्यूचर इज डिजिटल.
तो जितना ज्यादा अगर हम लोग इस फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आगे जाके हम लोगों को फायदा हो सकता है। देन एक और है कि जिसमें हम लोग, जैसा मैंने बताया कि केमोनाचे नाम का हमने ऐसे 9 एपिसोड्स हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द वर्क दैट वी हैव डन। देन व्हाट आर द कोर्सेस, कौन से कोर्सेस हम लोग रन कर रहे हैं? तो सबसे पहले इनिशियली अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो ग्राफिक डिजाइन में जा सकता है। ग्राफिक डिजाइन का कोर्स 3 महीने का होता है जिसमें हम लोग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन पढ़ाते हैं। और दूसरा कोर्स है कि जिसमें 6 महीने का कोर्स है जिसमें ग्राफिक डिजाइन तो कवर होता है 3 मंथ्स का, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स कवर होता है। वीडियो एडिटिंग में हम लोग ट्रेलर्स बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, जो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे जो काम करते हैं वो प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों को शूट के लिए लेके जाते हैं, कैसा शूट होता है, कैसे प्लान किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए, ये सब चीज़ें हम लोग इसके साथ कवर करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन में भी हम लोग लोगो डिज़ाइन, फ्लायर, ब्रोशर, बुकलेट डिज़ाइन, फोटो मैनिपुलेशन, डिजिटल पेंटिंग, पोस्टर डिज़ाइन, वेक्टर ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें कवर करते हैं। इसके रिलेटेड जो भी वर्क है वो वर्क हम लोग, आप लोग हमारा ऑनलाइन देख सकते हैं। देन डिजिटल प्रोडक्शन, 3D एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के कोर्सेज भी रन करते हैं जिसमें 3D एनिमेशन का 6 मंथ्स के बाद हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में 3D का कोर्स कवर करते हैं। तो ये जो मॉडल आपको दिख रहा है मेट्रो का, वो मॉडल हमने 3D में ही बनाया हुआ है। हमारे पास 100% प्लेसमेंट होता है। रीजन इसके हमारे पास खुद के पास बहुत सारा वैकेंसीज होता है और हम लोग बाहर भी बहुत लोगों को प्लेस करते हैं। द रीजन इज की सेंट्रल इंडिया में मेरे ख्याल से हमारा स्टूडियो और मेरा खुद का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। मैं एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी मेंबर हूँ, तो उसके जरिए भी मैं काफी सारे स्टूडियो के साथ लिंक टू, एंड अगेन इतने सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स भी इंडस्ट्री में काम कर रहे, जिससे उनके पास भी बहुत सारे वैकेंसीज होती है, वो वैकेंसीज डाल जाते हैं। नागपुर में भी काफी सारे लोगों को पता है एनिमेशन में पढ़ाता हूँ, तो उनको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन इनके पास मिलता है, तो वो लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए जनरली हमारे पास बच्चों को मानते हैं। देन ये 3D एनिमेशन का कोर्स है और विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स है। विजुअल इफेक्ट्स का जो कोर्स है वो 18 मंथ का कोर्स है, जो कि हम लोग जनरली बच्चों, उन बच्चों को सजेस्ट करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म क्रिएटिव फील्ड में जाना है, जैसे कि उनको डिग्री करनी है आगे जाके, NID में जाना है, तो ऐसे सभी लोग बच्चों को हम लोग यहाँ पे प्रीफर करते कि उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स के कोर्सेज करने चाहिए। लेट्स टॉक कि एक छोटा सा वीडियो देख ले एंड देन वी विल हैव अ सेशन। तब तक आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, सो दैट अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं इमीडिएटली आपको आंसर करूंगा। आई थिंक सबने गुड इवनिंग बोला है। गुड इवनिंग, यस, थैंक यू केदार, थैंक यू अम्बुलकर सर। अम्बुलकर सर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। अभी उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का एक वर्कशॉप किया था हमारे साथ और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में। प्रथमेश, वेरी गुड प्रथमेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रसाद, गुड इवनिंग। प्रथम कुलकर्णी, गुड इवनिंग। महेंद्र निम्बारते सर, गुड इवनिंग। केदार खांडरे, गुड इवनिंग। सुरेश सर, स्वप्ने सर, गुड इवनिंग। आसिफ, थैंक यू। अक्षय, डॉक्टर अक्षय डोबरे, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आपको लगता है कहीं पे भी किसी चीज़ के बारे में हम लोग पूछना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। और अब मुझे, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना है, डिजविस प्रोडक्शन सर्च करना है आपको फेसबुक पे, डिजिस प्रोडक्शन सर्च करना है आपको यूट्यूब पे, डिजिस प्रोडक्शन सर्च करना है आपको इंस्टाग्राम पे, सभी जगह डिजिस अगर आप सर्च करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगी डिजिस के बारे में, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ्यूचर लाइफ में आफ्टर कोरोना, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं कुछ डिफरेंट कोरोना, कोरोना ने हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया, कुछ डिफरेंट कोरोना। तो अगर हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है तो आप ज़रूर, अगर आपके कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग अदर चीज़ें जिसमें ये भी पॉसिबल है कि
अदर कोई फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हो और आपको उसके लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसके लिए भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए, या फिर अगर आपको लगता है तो आप आगे जाके 9422932288 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों के पास ये नंबर आ चुका है, या नहीं आया होगा तो मैं अभी आपको वो नंबर शेयर कर देता हूँ। ये नंबर के जरिए आप मेरे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ये नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे आप डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल है डिजिटल प्रोडक्शन के जरिए। सो आप मेरे अगर प्रोफाइल पे विजिट करना चाहते हैं तो अभिषेक आचार्य सर्च कीजिए, आपको अभिषेक आचार्य के जरिए की प्रोफाइल मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैं बोल रहा था। QR कोड हर जगह रखो, आपके अगर विजिटिंग कार्ड भी बनाते हैं तो उस पर भी QR कोड डालो, ताकि लोगों को कुछ नया लिखे। और हर बार लीक से हटके अगर कुछ आप बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी भी मैं और 5 मिनट रुक सकता हूँ, हम लोग अगर कोई आपके पास क्वेरीज है तो हम लोग इमीजिएटली उसको एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, हम लोग उन क्वेरीज को ले सकते हैं। यस तेजस, के तेजस हैज डन, अच्छा वो VFX कोर्स विद अनदर इंस्टीट्यूशन, एंड आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन मोशन ग्राफिक्स स्टफ राइट नाउ, डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी? ओके तेजस, सजेशन ये है कि अभी जो उस इंस्टीट्यूशन के साथ आप काम कर रहे, पहले तो वहां पे अच्छे से पढ़े और उसकी शोरी लैब बना ले, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ काम करें। आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसकी छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के आप अपने यूट्यूब चैनल पे पुटअप करिए, अपने सोशल मीडिया पे डालें, तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। आपको जॉब के लिए फिर अलग से शोरील बनाने की जरूरत नहीं, आपने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी छोड़ दिया तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। आर यू टीच ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, बट अगेन व्हाट इज द बजट फॉर स्मॉल एंटरप्रेनर्स? स्मॉल एंटरप्रेनर्स के लिए अगर उन्होंने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, तो 5,000 रुपीज पर मंथ से अगर वो स्टार्ट करते तो उनको इमिजिएटली रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। देन यस यस वी आर टीचिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन फिलहाल हम लोग शुरू है, जिसमें लाइव क्लास रहेंगे, नॉट रिकॉर्डेड क्लास। लाइव क्लास इसलिए कि अगर आपको इंटरेक्ट भी करना हो तो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे फॉर डिजिटल मार्केटिंग। यस, डिजिटल मार्केटिंग के भी हम लोग अभी कुछ कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। चैतन्य, यू आर इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिजाइन कोर्स, विल गेट बैक टू यू, जस्ट पुट अप योर फोन नंबर, आपके फोन नंबर वहां पे मेंशन कर दीजिए। रेवती बड़केलवार मैडम, आई थिंक बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स इस सेशन में एड्रेस हो गए होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, एंड आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। अभिषेक, काफी काफी दिन के बाद अभिषेक को मैं मिल रहा हूँ, अभिषेक चौहान। आई थिंक पुणे में अभिषेक शिफ्ट हो गया था। सो अभिषेक इंटरेस्टेड? यस इंटरेस्टेड है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच सून इन नेक्स्ट वीक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी के कुछ क्वेरीज रहेगी तो आई एम रेडी टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो लाइव सेशन हमने लिया है, तो अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल हुआ है आपके लिए, तो ये सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ, या आप डायरेक्टली नीचे शेयर की बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे अगर ठीक है आप भी इस फील्ड में नहीं जाना चाहते पर आपके दोस्त हैं जो कंफ्यूज है इस इंडस्ट्री में, या अभी क्या करें आफ्टर कोरोना आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइन, या डिजिटल एनी एनी डिजिटल मीडिया ये बहुत अच्छा हो सकता है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.bizviz.com, और यूट्यूब पे हमारे करीबन 2,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यूट्यूब के जरिए $20 की कमाई हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, जो जानकारी आपके पास पहुंचेगी।
पहुंचती रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड और हैव अ ग्रेट ऑगस्ट एंड फ्यूचर अहेड. थैंक यू वेरी मच.